जो मैं दिखाऊंगा। अरे अरे ये इतनी जल्दी भी क्या है, बताता हूँ। नहीं नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। महाराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम इन्हें जानते हो? महाराज, विक्रम को कौन नहीं जानता। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस अकेले मेमने को शेर के चंगुल में देखा, और तब मैंने इसकी रक्षा करने का निश्चय किया। लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? मेरा नाम मृदुल है, और मुझे एक राजकुमारी से प्रेम हो गया है, और उसने मुझसे विवाह करने के लिए एक शर्त रखी है। शर्त? हाँ, अगर मैं उसे स्वर्णपुरी के बारे में बताऊंगा तो वो मुझसे विवाह करेगी। क्या आप जानते हैं स्वर्णपुरी के बारे में? नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि तुम जैसे बहादुर इंसान की मदद के लिए मैं स्वर्णपुरी का पता बहुत जल्द लगाऊंगा। मुंजा, अभी लीजिए महाराज। रे अंगूठी रे अंगूठी, ये तो दिखलाना, स्वर्णपुरी का चक्कर तो जरा समझाना। ये तो सिर्फ किसी समुद्र का किनारा है, इससे हम लगता है स्वर्णपुरी का पता हमें यहीं से चलेगा। तो ठीक है, हम दोनों स्वर्णपुरी के रहस्य को ढूंढकर जल्द ही तुमसे मिलेंगे। हम समुद्र तक तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महाराज वो देखिए। अरे ये चिड़िया के बच्चे तो मुसीबत में हैं। हाँ महाराज। मुंजा, मुंजा आखिर ये पक्षी हमें मारना क्यों चाहते हैं? अभी पता लगाता हूँ महाराज। तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम हमारे बच्चों को मारने जा रहे थे। नहीं,
हमने तो उन्हें घोंसले से नीचे गिरने से बचाया। क्या? ओह, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका दोष नहीं है पक्षीराज। मुंजा, इन्हें छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। हम आपके आभारी हैं। लेकिन आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों आए? हमें स्वर्णपुरी की तलाश है। स्वर्णपुरी? वो तो बीच समुद्र में है। तुम हमें स्वर्णपुरी का रास्ता बताओगे? अवश्य। यहाँ से 200 योजन दूर पश्चिम दिशा में स्वर्णपुरी है। धन्यवाद पक्षीराज। महाराज उधर वो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मुंजा, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं। हाँ महाराज, ये द्वीप तो हमारे बोझ से डूब रहा है। ये कैसा रहस्यमय द्वीप है? महाराज, असली स्वर्णपुरी नगरी तो ये है। हाँ मुंजा, बहुत भव्य और सुंदर है ये नगरी। मुंजा वहां देखो, ये मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और रहस्यमय भी। इतना सुंदर नगर होने के बाद भी यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं है। महाराज। हाँ मुंजा, हमें छिप जाना चाहिए। मुझे ये क्या हो रहा है? हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। ये कैसी मायावी शक्ति है? महाराज, जितना सुना था उससे कई ज्यादा रहस्यमय है ये स्वर्णपुरी। हाँ, अब उस बेचारे युवक का विवाह आसानी से हो सकेगा। महाराज, महाराज मुझे सब याद आ गया। जल्दी चलिए, मुझे राजकुमारी से मिलना है। महाराज, तो ये थी स्वर्णपुरी की सारी जानकारी। अब तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूँ। सैनिकों, पकड़ लो इस धोखेबाज को।
मुझे कुछ कहना है। महाराज, ये तो वही सुंदरी है जो। हाँ मुंजा। पिताजी, इन्होंने जो कुछ स्वर्णपुरी के बारे में कहा है वो सत्य है। ये नवयुवक मेरे पूर्व जन्म के पति हैं और पिछले जन्म के पुण्यों के कारण मुझे ये सब याद है। इन्हें ढूंढने के लिए और पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए मैंने स्वर्णपुरी को ढूंढने की शर्त रखी थी, जिसे केवल मेरे पूर्व जन्म के पति ही पूरी कर सकते हैं। राजकुमारी, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। क्यों थी ना इतनी रहस्यमय नगरी और कहानी, इसलिए तो कहता हूँ, देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना।